पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख पर असखुद नोटिस केस, कल हर सूरत समात मुकम्मल करेंगे चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जस्टिस अथर मिनुल्ला, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस याया आफरीदी बेंच से अलग हो गए। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल मुकम्मल, चीफ जस्टिस ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सुदूर को सुनेंगे। पहले अदल होगा, फिर इलेक्शन होगा, इमरान खान की पेशियां होंगी, नवाज शरीफ से की गई नाइंसाफियों का इजाला होगा। मरियम नवाज का साहिवाल में जलसे से जारहाना खिताब, कहा इमरान खान को आज भी फैज़ हमीद की बाकियात बचा रही हैं। इमरान खान सुन लो, जिन्होंने तुम्हें कंधों पर बिठाया था वो इस्टेब्लिशमेंट जा चुकी, तुम बेफैज़ हो चुके हो और बेफैज़ ही रहोगे। रमज़ान से पहले ऑपरेशन क्लीन अप करें, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने ज़खीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इदारों को फ्री हैंड दे दिया, कहा ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों को कानून के ताकत से सबक सिखाएं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम, अस्पतालों में लागू MTI एक्ट के खात्मे का फैसला, बोर्ड ऑफ गवर्नर तहलील कर दिए जाएंगे। इमरान खान के कज़न नौशेरवान बरकी को भी फारिग करने का फैसला। और लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक तरफा मुकाबले के बाद 110 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 200 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 90 रन पर आउट, डेविड वीज़ा ने 3, सिकंदर रजा और राशिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की।